Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But you know, yesterday in the last time we started one topic, that is the absorption or radiation of radiant heat. कल हमने लास्ट में एक बात एक टॉपिक शुरू किया था बेटा, उसका नेम था एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन ऑफ रेडिएंट हीट. रेडिएंट हीट का मतलब हमने क्या बताया, हीट दैट वी आर गेटिंग और लॉसिंग फ्रॉम द रेडिएशन प्रोसेस, दैट इज रेडिएंट हीट. मतलब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई रेडिएशन प्रोसेस से हीट गिरती है तो उसका नेम होता है रेडिएंट हीट, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है. और किसी भी सॉलिड सरफेस पर या सॉलिड मैटर पर अगर रेडिएंट हीट अगर गिरती है तो थोड़ी सी हीट तो वो खुद एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद बाकी की उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करती है. Absorb varies a part of और बाकी की reflect हो जाती है. It is absorbed part of the body which is going to raise the temperature of solid body. अब हम एक बहुत interesting बात बताना चाह रहे हैं आपको with the help of an experiment. सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, that is about the m. मैंने आपको पहले बताया था हर activity का एक m होता है. इसमें क्या है, देखिए आप, to show that, a black body is better absorber, or radiator of heat, or radiator of heat than white body. ये अपना पर्पस है. इसका मीन्स क्या हुआ, मतलब कहने का क्या हुआ कि आपके पास सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपके पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है, दूसरा व्हाइट ऑब्जेक्ट है. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी है ना, वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है और जल्दी रेडिएट करती है, जबकि व्हाइट बॉडी है वो देरी से हीट को एब्जॉर्ब करती है और देरी से रिलीज करती है. तो उस बात को हम क्लियरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करना चाह रहे हैं. आपकी बुक में पूरा डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हम बता रहे हैं आपको. फर्स्ट वन, यू नो दैट व्हाट वी विल डू. फर्स्ट वी विल टेक टू वुडन ब्लॉक, दो वुडन ब्लॉक ले लिए हमने सेम शेप और साइज के. इन दोनों वुडन ब्लॉक पर हमने क्या करा, सेम साइज के दो कंटेनर लिए, जिसमें से एक तो बाहर की तरफ से कंप्लीटली ब्लैक है, दैट इज द ब्लैक टिन, दैट इज ब्लैक टिन. इतनी बात समझ आ रही है. और ये होगा आपके पास वुडन ब्लॉक, दैट इज वुडन ब्लॉक. और इसके बाद इसके अंदर यहां पर एक रबर का कोट लगा हुआ है, इसमें हमने एक थर्मोमीटर को अरेंज किया है, और इसमें क्या करा, वाटर फिलअप कर दिया. ऐसा ही इधर भी कर दिया, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि ये बाहर से ब्लैक कलर का टिन है और ये अंदर से जो बाहर से जो होगा दैट इज व्हाइट टिन, ठीक है. और ये भी वुडन ब्लॉक इधर भी होगा, यहां पर रबर कॉर्क होगा, ये दैट इज रबर कॉर्क, और ये होगा आपके पास थर्मोमीटर, ये यहां पर सेम ऐसी ही कंडीशन होगी. सबसे पहले हम इस थर्मोमीटर से स्टार्टिंग इनर्शियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, और वो जो भी आएगा दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, और हो सकता है दोनों का
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, और इस पूरे सेट को हमने कहां रख दिया, इन द सनलाइट, एक घंटे के लिए ब्राइट सनलाइट में हमने रख दिया। एक घंटे के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्लैक टिन है ना, दैट इज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक टिन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट टिन। मतलब इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ ना, उस वाटर का टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक टिन, और टेम्परेचर ऑफ वाटर इन व्हाइट टिन, मतलब कि इससे ज्यादा होगा। मतलब कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक टिन है, वो जल्दी गर्म हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करा, दूसरा सेटअप किया, हमने वापस से सेम ऐसा अरेंजमेंट किया, उनका इनर्शियल टेम्परेचर नोट कर लिया, एक उनको एक डेफिनेट लेवल तक गर्म कर लिया, ब्लैक टिन वाले को भी व्हाइट टिन वाले को भी, और हमने कहां रख दिया, इन द शेडो, छायादार, मतलब शेडी प्लेस पर रख दिया जहां सनलाइट नहीं आ रही है, एंड अलाउ देम टू कूल, कूल होने के लिए छोड़ दिया। इस टाइम हम क्या देखेंगे कि जो डाउनफॉल जो आएगा ना इसका टेम्परेचर में, वो सबसे पहले ब्लैक टिन जो है ना उसमें जल्दी डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक टिन इज फास्टर, इज मोर देन, फास्टर बोल देते हैं इसको, इट इज फास्टर देन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन व्हाइट टिन, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक टिन। मतलब कहने का क्या हुआ, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत फास्टर करते हैं, और अगर हॉट होते हैं तो हीट एनर्जी को रेडिएट भी बहुत फास्ट करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, इसका लास्ट कंक्लूजन बता रहे हैं हम आपको, वी कंक्लूड दैट डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट बोथ एब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, इसीलिए आपको पता हो तो विंटर सीजन में हम डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ पहनते हैं, और समर सीजन में लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और डार्क कलर हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अब उसके बाद बेटा हम दूसरी बात बता रहे हैं, दैट इज द यूजेज ऑफ गुड एंड बैड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। यहां पर ध्यान से देखना, इसमें यूजेज बता रहे हैं हम आपको, कहां कहां पर यूज होते हैं। फर्स्ट वन देखिए, दैट इज अबाउट द इन ट्रॉपिकल कंट्रीज हाउसेज आर पेंटेड इन व्हाइट, दिस इज बिकॉज व्हाइट कलर इज बैड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन एंड देयरफॉर टेम्परेचर इनसाइड विल बी बियरेबल। आप समझ रहे हैं, मतलब जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर उनके हाउसेज को अंदर की तरफ व्हाइट कलर से पेंट करवाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी रेडिएट हो जाए और अंदर का टेम्परेचर में मतलब बियरेबल रहे, जिसको अपन इजिली एडजस्ट कर सके। और एक और बात देखना, दैट इज द बेस ऑफ कुकिंग वेसल इज पेंटेड ब्लैक, ये अपने किचन वेयर जो भी होते हैं कुकिंग वेसल, उनका बेस देखना ब्लैक कलर्ड होते हैं, उसके पीछे वजह होती है कि वो बहुत जल्दी हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कम फ्यूल में इजिली फूड कुक हो जाता है।
so it absorb more heat and hence the cooking is fast. अब आगे सुनना, uses of good and bad emitter of radiation. The metal surface of teapot is shiny so that tea is kept hot for a long time period. Teapot देखा है आपने, जो मेटल का बना होता है वो बाहर से शाइनिंग वाला होता है, मेटल का बना होता है ताकि उसकी जो भी कूलनेस है ना या जो भी हॉटनेस है उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ज्यादा लंबे टाइम तक टी उसमें हॉट कंडीशन में रहेगी। और एक और बात देखना बेटा, रेडिएटर ऑफ कार देखा हुआ आपने, जो मैकेनिक लोग होते हैं वो ज्यादा समझते हैं इस बात में, जो इंजन के पास वाला बोनेट वाला पोर्शन होता है वहां पर एक रेडिएटर होता है, उसको भी ब्लैक पेंट किया जाता है क्योंकि उसमें वो भी क्या करता है, हीट एनर्जी को फटाफट से रेडिएट कर लेता है। बाकी दूसरे वाले पोर्शन में क्या होता है, वाटर सर्कुलिंग करने का काम करता है। शायद मैंने पहले बताया हो, जितने भी टू फोर व्हीलर्स होते हैं, चाहे वो गुड्स कैरियर हो, ट्रक वगैरह हो या बसेस वगैरह हो, उनमें आगे बहुत लॉन्ग चलने के बाद एक वाटर क्वांटिटी कंटेनर में से भर के डाली जाती है उसमें इंजन में और फटाफट वो इवेपोरेट हो जाता है, दैट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट और प्रिवेंट द ओवरहीटिंग। तो जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो हीटेड तो होते हैं लेकिन ओवरहीटेड नहीं हो जाए, इसके लिए ऐसा किया जाता है। और इसके बाद एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं आपको, दोबारा से एक थोड़े अलग तरीके से हम बता रहे हैं बेटा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अपन ने पढ़े, उसमें फर्स्ट नंबर में पढ़ा हमने कंडक्शन। इस कंडक्शन प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए यहां पर एक बहुत सारी ब्रिक्स का ढेर पड़ा हुआ है, दैट इज द हीप ऑफ ब्रिक्स, और यहां से हमको इस जगह पर पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट्स की बहुत लंबी चेन बना लेंगे और इसमें कोई भी स्टूडेंट चल के नहीं जाएगा, एक स्टूडेंट यहां से ब्रिक उठाएगा, फिर वो एक से दूसरे को, दूसरा तीसरे को पास करता जाएगा और फाइनली वो ईंट कहां पहुंच जाएगी, इस जगह पर पहुंच जाएगी। देखिए अब इसमें कोई भी स्टूडेंट चल के यहां से वहां नहीं गया लेकिन ईंट यहां पर जो ब्रिक्स है वो इस जगह पर पहुंच गई, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस तो हुआ कंडक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या हुआ, सेकेंड नंबर था आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ, यहां से एक ढेर पड़ा है, एक स्टूडेंट जाएगा ब्रिक ले जाएगा वहां डालेगा, फिर दूसरा स्टूडेंट जाएगा यहां से एक ब्रिक ले जाएगा, ये प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाएगा। लेकिन एक और थर्ड बात बता रहे हैं, दैट इज द रेडिएशन। रेडिएशन में आप कैसे मान सकते हैं, यहां पर एक स्टूडेंट है सीधा यहां से ब्रिक्स को थ्रोविंग कर रहा है, दैट इज द थ्रोविंग ऑफ ब्रिक्स जस्ट लाइक द रेडिएशन। ओके, सो दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस और दिस इज द कन्वेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज एनफ फॉर टुडे, और टुमारो वी स्टार्ट टू स्टडी काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन द समर एंड विंटर सीजन। ओके।